कहां गया है, लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी इस दुनिया में है, और जब वो मिलते हैं तो इस कायनात में गीत गूंजते हैं। उसने भी इस बात पर तभी यकीन किया जब उसने उसे देखा पहली बार। माहिया से दीदार करा दे रब्बा लक बरसा, रब्बा लक 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 बरसा, रब्बा लक बरसा, रब्बा लक 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 बरसा, रब्बा लक बरसा।
Bashir Afghani strikes again, outside the Indian High Commission. Afghani's henchman Baba, who carried out the operation, has claimed responsibility for this act of terrorism. ना कुछ नहीं होगा, वो चला गया। देख क्या रही है, चल जल्दी। हेलो मरहबा, बुक सब कैफे। मैं स्पीक टू राजीव। इंडियन राजीव। हाँ राजीव, फोन। हेलो, तुम ये जॉर्डन में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी परमिशन लिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या करना क्या चाह रहे हो तुम है? नॉर्मल आदमी की तरह तुम जी नहीं सकते क्या? मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, ये क्या पागलपन है? बड़ी मुश्किल से तुम्हें एक नई पहचान दी है, प्लीज डोंट ब्लो इट। तुम्हारा अतीत मर चुका है। इस तरह से तुम घूमते रहोगे तो वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे और मार देंगे। तुम्हारे जैसे आदमी की लापरवाही और खुदकुशी में ज्यादा फर्क नहीं होता। तुम्हारा एड्रेस मुझे अभी एसएमएस करो, राइट नाउ। गुड इवनिंग, प्लीज वी आर अबाउट टू क्लोज, प्लीज कलेक्ट योर बिलोंगिंग्स एंड हेड टुवर्ड्स द एग्जिट। اسمعوا اخوان واخوات نحن على وشك اغلاق الرجاء احصر امتعتك الخاصه وقبل نحو الخروج. Good evening. Please, we are about to close. Please collect your belongings and head towards the exit. اسمعوا أخوان وأخوات
نحن على وشك إغلاق الرجاء احسن أمتعتك الخاصة وقبل لحظة الخروج كجران كجران तुझको देख के सुध बुध खोया ना मैं जागा ना मैं सोया तुझको देख के सुध बुध खोया मार गए मती मार गए मतवारे गजरा 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 रे गजरा 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 रे गजरा 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 रे कश है धड़कनों में चाहतों में आलम बड़ा बेबस है दीवानगी का तेरी दीवानगी का लुट गया मैं पहली नजर में बस गया पलकों के घर में मार गए मती मार गए मतवारे गजरा 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 तुम्हारा 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 नींद से भी रिश्ता टूटा होश मेरे दिल का लूटा मार गए मती मार गए मतवारे गजरा 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 रे गजरा 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 रे गजरा 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 रे गजरा 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 मेरी मंजिल मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक बार आईना जरूर देखेगा। मिया, दम हो तो कदम आगे बढ़ाना और इतना फितूर सवार है तो आ जाना होटल क्राउन प्लाजा दुबई इसका नाच देखने, मगर जेब में बहुत सारे पैसे भर के आना क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। अल्लाह हाफिज। चल नरगिस। मेरी मंजिल मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी मंजिल मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है।
एक बार आईना जरूर देखेगा। नाना हुआ नहीं क्या तेरा? चल जल्दी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरे बाप का प्लेन नहीं है। एक नए पैसे की कमाई नहीं होगी यहाँ पे। संघा यार, तितर लियो को कैसे ऊपर नीचे चिंदी चिपका कर नाच रही है, और हम आइए 1942 की सलवार कमीज पहनकर। कौन देखेगा यार हमारी तरफ? देख 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 देख, कैसे ताड़ रहे हैं सब लोग इनकी तरफ, उनके कुत्तों की तरह। चीची कैसे टांगे उठा उठा कर दिखा रही हैं सब। शर्म भी नहीं आती इन औरतों को। मैंने नहीं देखना ये सब। सर्गेस, काला का फोन, बात कर। हेलो, सलाम से बात शुरू किया करो नरगिस बानो। ये अंग्रेजों के चोचले हमें अच्छे नहीं लगते। जी वो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। सादिक बता रहा था कि मुजरे के सारे प्रोग्राम बहुत ठंडे गए। जॉर्डन में तुम्हें एक शेख एक रात के 2,00,000 रुपए दे रहा था और तुमने उसके पास जाने से इनकार कर दिया। क्या बात है, बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? नहीं नहीं खाला जान, मुजरे के प्रोग्राम तो ठीक ही गए, पर मैं उस आदमी से डर गई थी। क्या बात है, कल तक तो आदमी हमसे डरा करते थे और आज हमारी लड़कियां उनसे डरने लगी। माफ कर दीजिए खाला जान, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चुप, यतीम खाना नहीं खोल रखा है मैंने, समझी तुम? ये मेरी दुकान है, 1 रुपए का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नाचो या धंधा करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमा कर दोगी तो खाने को मिलेगा, वरना हाथ पैर काट कर फेंक दूंगी तुम्हें और तुम्हारी माँ को सड़क पर भीख मांगने के लिए। अब तुम ही फैसला करो नरगिस बानो, कटोरे में फेंकी हुई भीख चाहिए या पैरों पर पड़े हुए नोट। मेरा नाम जोहरा बानो है, मैं दोनों हालात पैदा कर सकती हूँ। जब एक बार कहा कि तुम दुबई नहीं जा सकते तो तुम नहीं जा सकते। Why don't you understand? दुबई इंडियन और पाकिस्तानियों से भरा हुआ है, एक सेकंड में तुम उनकी नजरों में आ जाओगे और उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है। We'll be right back.
चलना चल। अरे सोच क्या रही है नरगिस, चलना। जल्दी अगर पकड़े गए ना तो विला में जेल हो जाएगी। चल तू जाना मर साली। आपका स्काफ। जॉर्डन से दुबई, दुबई से होटल और होटल से यहाँ, ये लौटाने के लिए आए थे। दिल तो चाह रहा था कि अपने पास ही रख लूं, लेकिन फिर सोचा कि आपको इसकी जरूरत होगी। जरूरत थी लेकिन अब नहीं है, आप रख लीजिए। शुक्रिया। वैसे इसका आप करेंगे क्या? सर पर बांधेंगे, हाथ पे लपेटेंगे या फिर गले में बांधकर घूमते रहेंगे? वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप इसी तरह गायब होती रहीं तो इससे फांसी जरूर लगा लूंगा। पर उसके लिए ये बहुत छोटा पड़ेगा, आप कहें तो 3 गज का दुपट्टा भिजवा दूं। जी उसकी कोई जरूरत नहीं, आप नजर भर के देख लीजिएगा, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर लेते हैं आप? कीचड़ में खिले हुए फूल को देखकर घिन नहीं आती? यही तो खासियत है इस फूल में, कीचड़ में पैदा होकर भी उसके ऊपर खिलता है। नरगिस, तुम्हें इस बाजार के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाया है। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं। असली हो? छू के देख लो। ओ ढोलना
रब्बा जाने माहे रुबा जाने होगा क्या आगे।
जिसके लिए आए हैं वो तो चली गई अपने मुल्क। क्या बात कर रहे हो यार, वापस चली गई? अरे मियाँ, 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने पूरे हो गए, वीजा खत्म। ये खत दे के गई आपके लिए। उर्दू तो नहीं आती होगी आपको, मैंने ही लिखा था उसके लिए, कहिए तो पढ़ भी देता हूं। राजीव, तुम कहते थे ना मेरी जगह किसी घर में है जहां कोई मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। तुम्हारी कही हुई हर बात पे यकीन होने लगा था मुझे, ख्वाब देखने लगी थी मैं, लेकिन आंखें खुल गई, ख्वाब टूट गए, यही मेरी हकीकत है। हीरा मंडी में जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी होगा, और मैं इसे बदल नहीं सकती। तुम भी इसे बदलने की कोशिश मत करना। अलविदा कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए बिना मिले ही वापस जा रही हूं। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी से नवाजे नरगिस। सज्जाद नवाज नाम के बहुत बड़े रईस के साथ सौदा तय हो गया उसका, 5 लाख रुपए दे रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार जमान दे दी तो लड़की उसकी हो। वैसे एक रास्ता है, आप 10 दे दो नरगिस साहब की। कई बार सौदे यूं भी पलट जाते हैं। Hello? Hello? Mr. Stewart, this is Rocky here. Rocky, where are you? Dubai. Mr. Stewart, please transfer rupees 10 lakhs in the Lahore branch immediately. Lahore? What for? I'll tell you later. Please transfer the money immediately. Okay, I'll do it immediately. Okay. सचहरा चंदा गुलाबी, और उस पे तेरा मुस्कुराना। देखो एक बार फिर अपना सुल्तान का कमीज, इसका खून का दाग आज भी सलामत है इस पर। तुम सही बोलता था, दिल से मांगा हुआ दुआ अल्लाह ताला जरूर पूरा करता है। अब तू चैन से सो जा, अब हम उस टपूस का लाश को इधर लाएगी
उसका खून से तेरे पांव को धोएगा। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमको अपना दूध नहीं बख्शो, तुमको माफ नहीं करो। कहाँ चले जा रहे हो मियाँ ये प्यारा सा मुंह उठाकर? जी आप यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं? ओए अल्लाह तेवर, क्या गर्मी, क्या नखरे, कहीं के जमींदार हो, थानेदार हो या सियासी लीडर? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। पहले हमसे तो मिल लो, अपना तारुफ तो कराओ हमसे। आई गुलाब जान एंड यू? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है मियाँ, ये हमारा कारखाना है, कोई कबाब पराठे का होटल नहीं। आए, खाए, बिल दिए और चले। अब बताते भी हो या घर जाने के लिए मंगाऊं ऑटो? जी मैं नरगिस से मिलने आया हूँ। नरगिस से? माशाल्लाह, देखने में तो शरीफ आदमी लगते हो। हिंदुस्तानी हो? नहीं, जापानी। आप नरगिस को जानती हैं? किस नरगिस की बात कर रहे हो, यहाँ तो दसियों नरगिस है, हर घर में एक नरगिस है। मेरी नरगिस वो है जिसकी तरह इस दुनिया में और कोई नहीं। ओ, अपनी नरगिस? उसने कब झाड़ू फेर दिया आपके सर पे? खैर हमें क्या, हमारा तो काम है सड़क पे जाओ, बंदों को लाओ, पैसे कमाओ और ऐश करो। नरगिस, वो रहा उसका घर। आओ फॉलो मी। चले आओ बलमा, सारा झगड़ा खत्म होए जे हैं। गुलाब जानी अब फिर आ गई बिन बुलाए, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ओफो, तो इसमें कौन सी नई बात है, तेरा तो बचपन से दिमाग खराब है। अब मैं कुछ फूटूं या जाऊं? अच्छा बोलिए जल्दी, क्या बोलना है? बाहर एक चिकना चक्कू आया है, राजीव नाम है उसका। राजीव? मेरा राजीव कहाँ है, कहाँ छोड़ के आ गई उन्हें? खाला, कहीं खाला ने तो नहीं देख लिया? खाला किधर है, बताए ना। तेरे दिमाग के कलपुर्जे क्यों गिरे जा रहे हैं बावली, जरा सबर कर। कमरे में जोरा लाली पाउडर लगा रही है और वो तेरा राजेश खन्ना बाहर बरामदे में खड़ा है, जा। बरामदे में? या अल्लाह। अरे आराम से, आराम से। कौन सा जलजला आया है खाला? वो आया है। वो कौन? वो राजीव। उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। तशरीफ रखिए। सातिक से आपके बारे में सुना, लड़कियां बहुत तारीफ कर रही थीं आपकी। कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? जी मुझे आपकी खिदमत नहीं, आपकी इजाजत चाहिए। मैं हीरा मंडी से नरगिस की डोली ले जाने आया हूं। अच्छा ये सिर्फ मैंने सुना या तुम सबने भी सुना? सुना सुना, हम सबने सुना बीबी, दोनों कानों से।
देखिए मियाँ, यही तो एक फर्क है आपकी और हमारी दुनिया में। हम ना उम्मीद की कैद में फंसते हैं और ना ही ख्वाब की। हम अपनी बच्चियों को नचवाते हैं, गवाते हैं, उन्हें बेचते भी हैं, लेकिन डोली में रुखसत नहीं करते। अगर एक एक करके हमारी बच्चियां निकाह का जोड़ा पहनना शुरू कर दें, तो हम तो भूखी ही मर जाएंगी, है ना? ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपने नरगिस की जो भी कीमत लगाई है, मैं उससे दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूं। दौलत का लालच हमें ना ही दो तो बेहतर है। हमारे पास दौलत लुटाने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो उसे एक या दस रातों के लिए खरीद सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। नरगिस सयाशी का सामान नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। प्यार एक वक्ती जज्बात है और शादी एक घाटे का सौदा। जिस्म खरीदने और बेचने की बात कीजिए मियाँ, उससे बेहतर कोई कारोबार नहीं। आपको नरगिस चाहिए, पैसे दे जाइए और ले जाइए उसे, बाकी आपकी मर्जी। ज्यादा सोचिए मत, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर बैठ के जलना सारी जिंदगी। इश्क किया है, खाक तो होना ही पड़ेगा। मैं पैसे लेकर आता हूं। क्या करूं मैं जानिया।
माहिया देरिया पकने लगी है इश्क दी बेरिया जोड़ दे डोरिया लगी है इश्क दी बेरिया जोड़ दे डोरिया तेरिया मेरिया तेरिया मेरिया तेरिया मेरिया जाने का वक्त आ गया है। तुम वहां वापस नहीं जाओगी। जो मुमकिन नहीं उसके बारे में सोचना क्या। मैं मुश्किल को मुमकिन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोरा खाला के खिलाफ जाने की हिम्मत ना मुझ में है ना मेरी मां में, और अगर मैं उनके खिलाफ गई तो वो मेरी मां का जीना हराम कर देगी। तुम्हें छोड़ने के ख्याल नहीं मुझे इतना बेबस कर दिया है कि अपने आप से नफरत होने लगी है। लेकिन हम मिलेंगे, रोज मिलेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किस सवाब का बदला हो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, मुझ जैसी लड़की को प्यार देकर तुमने दुनिया की सारी खुशियां दे दी। अब तुम्हारी जन्नत में रहूं या सोरा खाला की दोजख में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता है क्या हुआ भाई साहब? दारू मंगवाया होटल में सब लोग मिलकर। हे गाइस गाइस, अरे रॉकी है ना, रॉकी कपूर।
अरे यार लगता है कल की तेरी उतरी नहीं है, वापस की मार कर तो नहीं है रूम में से। अरे यार मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अरे ये रॉकी ही है यार। तू इसे समझा। तू पागल तो नहीं हो गया? अबे रॉकी यार लाहौर में क्या करने आएगा? हाँ लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया पूरा। अरे ये रॉकी ही है, लगाता है बैट। लगी बैट 1000 pounds और इस बार तो मैं जीतूंगा ही। तू तू सिर्फ मेरे पैसे तैयार रख। हेलो सर, मायसेल्फ अली। एक्चुअली सर मैंने इन लोगों से बैट लगाई है। आई टोल्ड देम कि आप ही रॉकी है, रॉकी कपूर, द लोन इंडियन फ्रॉम लंदन। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम राजीव है, रॉकी नहीं। अरे मजाक कर रहे, मजाक है ना, मजाक कर रहे हैं ना, आप रॉकी है ना। देखिए आप नशे में, एक्सक्यूज मी, चलो। सर 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 सर, मैंने इसको कहा था कि शर्त आ जाएगा, हार गया ना। चल चल निकाल बेटा निकाल। यार मैं शर्त नहीं आ रहा। अरे ये झूठ बोल रहा है, ये रॉकी ही है। अरे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ ना। अच्छा लड़की साथ में इसलिए छुपा रहे हो? वैसे चीज कमाल की है यार, हीरा मंडी से उठा कर लाया है ना। नरगिस अल्लाह हाफिज कहे बगैर ही जाओगी, क्या बात है? मुझे झूठ से नहीं सच से डर लगता है। वो सच अगर ये है कि मैंने एक झूठ पे यकीन किया, वो सच अगर ये है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कुछ छुपा रहा है मुझसे, वो सच अगर ये है कि ये सब कुछ एक ख्वाब था और कुछ नहीं, तो डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी तो वो सब नहीं होने जा रहा जो कभी मेरी मां के साथ हुआ था। खामोश क्यों, जवाब दो, कौन हो तुम, कौन हो तुम? यकीनन तुम वो तो नहीं हो जो तुमने मुझे अपने बारे में बताया। ठीक कहती हो तुम, तुम्हारा शक सही है, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मेरा नाम राजीव नहीं है। आज तक मैंने तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो सच नहीं है। मेरे हाथों से खून हुआ है। नरगिस दरवाजा खोलो, नरगिस दरवाजा खोलो। मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुमसे झूठ बोलने की या बात छुपाने की कभी नियत नहीं थी मेरी, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। यस प्लीज, कैन आई गेट रॉकीज ऑटोग्राफ प्लीज फॉर माय सन? या श्योर। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अ वन इंडियन फैमिली, दे वांट टू टेक योर ऑटोग्राफ। आर यू द सिंगिंग स्टार रॉकी? Yeah. Can you give the sign?
थैंक यू थैंक यू थैंक यू चल बेटा Excuse me, sir. Yeah. Are you feeling okay? Bathroom is... bathroom feel, huh? Yeah, sure. It's this side. Sure. Defeated a terrorist plan to hijack Air India's flight 333. Mr. Desai put his life in great danger and disarmed the dreaded terrorist Sultan. Rocky bhaiya hero, Rocky bhaiya hero, Rocky bhaiya hero. Bas bas, soupy. Hello. Hello, Mr. Rocky. मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड यार्ड से. Yes. मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपके लिए एक बुरी खबर है. I'm sorry, sir. It's not possible. मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. मेरी बहन चल फिर नहीं सकती, उठकर पानी नहीं पी सकती, और आप मुझसे कह रहे कि बाबर कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है. He is one of the most wanted terrorists in the world. और तुमने उसके भाई को मारा है. वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बहन को और हर उस इंसान को जो तुम्हारे करीब है या होगा. हमारी यूके की पुलिस उसे ढूंढ रही है. बट टिल देन, एक नए नाम, एक नई आइडेंटिटी के साथ में अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी. सिंह साहब, अगर मौत का डर मेरा नाम, मेरा वजूद, मेरा संगीत ही मुझसे छीन लेगा तो ऐसी जिंदगी में क्या रह जाएगा? मुझसे बहस मत करो रॉकी. आज से तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी हम लेते हैं. प्लीज Just go away. You have no choice. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी स्पर्श को भूल जाऊं, एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करूं. वो जो कहते मैं वही करता. जिस शहर, जिस मुल्क जाने को कहते मैं चला जाता. लेकिन बहन की याद मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकी और एक रोज मैं यूके वापस चला गया. हेलो, यू वांट योर सिस्टर टू गेट किल्ड? अपनी बहन को मार देना चाहते हो? बेटा, I'll just come. क्यों भैया? इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता तुम्हें? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, इसलिए वापस आ गया. Will you listen to me? Just listen to me. बाबर तुम्हें और तुम्हारी बहन को टारगेट करने वाला है. For God's sake, drop everything and come to me right now. अभी मेरे पास आ जाओ, इसी वक्त. Yes, sir. Sparsh. Sparsh. Where's the little girl? A man just took her. Who? I don't know, a man. Sparsh! Hello, is everything okay? Babar chahta to wo mujhe maar sakta tha.
लेकिन उसने मुझे तोड़ने के लिए मेरी बहन को मार दिया और मैंने यूके हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई महीनों तक भटकता रहा, भागता रहा पुलिस वालों के कहने पे, लेकिन मेरे अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खून से लिपटी हुई मेरी बहन की लाश, जिस आदमी को मैंने मारा था उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने, मेरे ख्वाबों में आकर मुझे डराता रहता। फिर तुम मिली तो राहत मिल गई उन डरावनी यादों से। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, तुम ही मेरा रास्ता, तुम ही मेरी मंजिल। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा रहूंगी तुम्हारे पास। अब चाहे जहां ले चलो, मैं तैयार हूं। ऐसा करने की सोचना भी मत। क्या कह रही थी तुम इस आदमी को? खाला, आप राजीव के बारे में कुछ नहीं जानती, अगर आप जान जाएंगी तो इसे गले से नहीं लगा लूंगी मैं, और आज के बाद तुम्हें भी इसे मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चलिए मियां, रास्ता नापिए आप। लेकिन खाला मेरी बात तो सुने। तेरा बाप भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, पागलों की तरह तबाह हो गई थी तेरी माँ उसके इश्क में, घुंघरुओं को आग में फेंक कर चल दी थी उसके पीछे लैला बनकर। और फिर क्या हुआ, 5 साल तक उसका खूब इस्तेमाल किया, बिना निकाह के तुझे पैदा कर गया, और फिर जब उसकी जवानी ढलने लगी और चेहरा मुरझाने लगा तो लाकर पटक दिया तुम दोनों मां बेटी को वापस इसी बाजार में। वो तो उस वक्त अगर मैं ना होती नरगिस बानो, तो आज टुकड़े टुकड़े को मोहताज होती तुम दोनों, और कोई पलट कर झुकता तक नहीं। चंद लोगों के बेवफा हो जाने से वफा खत्म नहीं हो जाती। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, मैं नरगिस को इतनी इज्जत इतना प्यार दूंगा कि वो हीरा मंडी को ख्वाब में भी नहीं देखेगी। जिंदा रहेगी तो ही तो ख्वाब देखेगी मियां। जो शख्स मौत से खुद भाग रहा हो वो किसी और की हिफाजत क्या खाक करेगा? और आपका ये ख्वाब पूरा हो, इसके लिए आपके दुश्मन आपको जिंदा छोड़ दें, इस बात का यकीन आप कैसे कर सकते हैं? एक बारात यहां आएगी, एक डोली यहां से उठेगी, और उस डोली को अपने हाथों से सजाकर रुखसत करेंगी आप खुद। किसी और बात का यकीन हो या ना हो, इस बात का यकीन है मुझे सुरभ भाई। मैं पैसे भिजवाता हूं, मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, लाखों रुपए मेरे अकाउंट में। हम कहा कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है सर, पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक किसने किया? स्कॉटलैंड यार्ड ने सर। देखिए ये पैसे मेरे हैं, आई नीड द मनी यार, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ओके सर, कल आप हमारे कंट्री हेड से बात कर लीजिए, हो सकता है वो आपकी मदद कर दें। फिक्र मत कीजिए, मैं खाला से बात कर लूँगा, कह दूँगा कि जब तक हम पहुँचे बैंक बंद हो गया था, पर कल तक आप पैसे का कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लेना। चलिए।
लम्हा फिर से जीना है। जनाब, एक्सक्यूज मी सर, मेंटेनेंस, होटल की लाइट्स गई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कैन आई चेक द मेंस? कम, थैंक यू सर। नरगिस चल तैयार हो जा जल्दी से, सज्जाद नवाज गाड़ी भेज रहे हैं तेरे लिए, जोरा खाला ने कहा है शाम होते मरी के लिए रवाना होना है तुझे, चल 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 फटाफट तैयार हो जा चल। जब राजीव मेरी हर रात की कीमत देने को तैयार है तो फिर मैं क्यों जाऊं किसी जानवर के पास? जा जाकर कह दे जोरा खाला से मेरी जूती भीनी जाएगी, वो बस अभी आता ही होगा। देख नरगिस, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं। खान क्यों परेशान कर रहा है बेचारी को? वाह, बड़े देखे ऐसे रांझे, रात गई बात गई, 24 घंटे का वक्त मांगा था उसने मुझसे और वो भी मैंने इस दल्ले के कहने पर दे दिया उसे। 2 दिन हो गए हैं और वो मजनू गायब है, ना कोई पता ना कोई खबर। जल्दी तैयार हो जाओ, सज्जाद नवाज की हवेली जाना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और के पास नहीं जाऊंगी। मारना चाहती हो ना मुझे, मार डालो, जान ले लो मेरी, लेकिन मैं कभी भी किसी और के पास नहीं जाऊंगी, कह देती हूं मैं। कैसे नहीं जाएगी, कीमत चुकाई है उसने, बयाना लिया है मैंने तेरा। तो लौटा दो बयाना, सारे पैसे फेंक दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और एक बात मेरी सुन लो जोरा भाई, मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत कमा कर दिया है तुम्हें, लाखों रुपए भरे हैं तुम्हारी तिजोरी में, लेकिन अब बस, अब तुम्हारी जबरदस्ती में और चलने नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। अच्छा तो अब सीधा खाला से बाई पर उतर आई है तो ठीक है, तू अब देख जब खाला बाई का भेस बदलती है तो वो क्या करती है।
उठ गए आप? आइए, कुछ खाएंगे आप? ये सब क्या हो रहा है और आप यहां क्या कर रहे हैं? आप पंजाब गवर्नमेंट के लाहौर सेफ हाउस में हैं और मैं आपको यहां से वापस ले जाने आया हूं। यू नो दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। दीज पीपल आर फाइटिंग ए डेडली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तुम्हारी जान को खतरा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं आया हूं? मैंने तुमसे कहा था ना कि बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट मत करना, नहीं सुना ना तुमने? और क्या हुआ, बाबर को भी बैंक से पता चल गया कि तुम यहां हो और वो भी यहां आ गया? ये तारिक अनवर साहब हैं, हेड ऑफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लाहौर। इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये नहीं होते तो तुम तो होते ही नहीं। हम लोग कल वापस यूके जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। मैं अपनी जान की परवाह करते करते थक गया हूं। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके मुझे अपनी सिक्योरिटी से मुक्त कीजिए और छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल में। मुक्ति चाहिए? किसके लिए? उसी के लिए जिसका नाम बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहे थे, उसी के लिए सुसाइड करना चाहते हो ना तुम? बहुत प्यार करते हो नरगिस से? हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम सिवाय अपने आप के किसी से प्यार नहीं करते। नरगिस से दूर चले जाने की तकलीफ से बचने के लिए तुम उसकी जिंदगी रिस्क में डाल रहे हो। यही तुमने अपनी बहन के साथ भी किया था। Why don't you understand? बाबर उन्हीं लोगों को टारगेट बनाता है जो तुम्हारे करीब हैं, जिनसे तुम प्यार करते हो। अब तक नरगिस के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर चुका होगा। बहन की चिता तो जला चुके हो, अब नरगिस के जनाजे को भी कंधा देना चाहते हो? Do you love her? Leave her. गुलाब जानी उठो ना। ओफो, कौन है? उठो ना। कौन है? कौन? डाकू! डाकू आ गए। मैं नरगिस, चिल्लाइए मत, और डंडे खिलवाएंगे क्या? नरगिस तू, मुझे लगा डाकू आ गए मेरी इज्जत लूटने के लिए। आखिर हुआ क्या है? गुलाब जानी, मुझे बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं भाग रही हूँ यहाँ से। या अल्लाह, मरवाई दीवानी हो गई है। खाला ने उल्टे सीधे हाथ मारकर इस लड़की का भेजा हिला दिया है। मेरी बच्ची, ऐसी ऐसी बात ना करना। आ, सो जा। मुझे नहीं सोना बना। आपको मजाक लग रहा है क्या? क्या चाहती है? मैं वाकई भाग रही हूँ यहाँ से। ये कौन सा नया गुल खिला रही है? यहाँ से भागने का मतलब जानती है या तेरी याददाश्त भी जाया हो गई उस लौंडे के चक्कर में? मैं सब जानती हूँ। आप बस मुझे राजीव के होटल तक पहुँचा दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अरे क्या खाक संभालेगी, मुझे कौन संभालेगा? खाला को पता चल गया ना तो बिना फातिया के मेरा जनाजा उठा देगी। मुझे नहीं मरना भरी जवानी में। तू जाना है, जाटो पकड़ और निकल, मेरी जान छोड़। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे भी जिंदा रहना है और क्रिकेट देखना है। जा, तुझे जाना है, जमर। तो ठीक है, आप सोइए, अपना क्रिकेट देखिए, मैं अकेले ही चली जा। जा, 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 जा। अल्लाह होगा, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक, खुदा हाफिज। जा, जा। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तू जो करना चाहती है उसके लिए भी नहीं रोकूंगी। आखिर मैंने तुझे दिया ही क्या है? एक माँ तो दूर, मैं तो तेरी दोस्त भी नहीं बन सकी। ना तेरे लिए कभी लड़ी, ना ही तेरे ऊपर उठते हाथों को रोक सकी। तेरी पहली दलाल भी मैं ही हूं मेरी बच्ची। भाग जा, चली जा यहां से। जहां भी रहेगी यहां से तो खुशी रहेगी। जा नरगिस, जा। नहीं आपा। अब
अब जाने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, क्या क्या है इसमें? तेरे हीरो की खबर है, पाकिस्तान से निकालकर उसे किसी और मुल्क ले जा रहे हैं पुलिस वाले। ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे अपने साथ लेके जाएगा। झूठ बोल रहा है तू, खाला के कहने पे ये झूठी खबर सुना रहा है। झूठ बोल रहा है ना सादिक? सादिक झूठ बोल रहा है ना तू? अरे मैं क्या झूठ बोलूंगा यार, यकीन नहीं आता तो किसी से भी पढ़वा ले अखबार। वो भी बाबा की तरह निकला। पुराना याद आ गया, सानू गुजर
सलाम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। Are you all right? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हमारी कम्युनिकेशन टीम ने कुछ चैटर पिकअप किया है। सुना है बाबर हमारे सेफ हाउस पर हमला करने वाला है। For safety send my man down. And 5 minutes के बाद आप भी नीचे आ जाएं। We are going to the airport now. Okay. अजीम। Yes sir. तारिक साहब ने तुम्हें नीचे बुलाया। Okay sir. Let's go. तुम्हारा आका लेकर आओ उस टप्पूस का औलाद को, वरना अपना बीवी और बच्चे का जनाजा कंधे पर उठाओ। जाओ। राजीव देख के बात कर। हेलो नरगिस। राजीव कहाँ हो तुम? मैं वहां आ रहा हूं, मुझ पर भरोसा करना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपना वादा जरूर निभाऊंगा, मुझ पर यकीन है ना? अब इन दिलासों से क्या फायदा राजीव, तुम्हारी नरगिस बिक चुकी है और कल रात के बाद तुम्हारे लायक भी नहीं रहेगी। रहेगी, नरगिस राजीव की होकर ही रहेगी, क्योंकि ये कहा गया है, लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं और आसमान में तय किए हुए रिश्ते जमीन पर टूटा नहीं करते। अब रास्ते की हर रुकावट, हर दुश्मन को हटाने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। मेरा इंतजार करना, तुम्हारी हिफाजत तुम्हारा खुदा करेगा। फोन दे, फोन दे, फोन। Second floor.
बाबर का है। सिर्फ एक बार पूछूंगा, दोबारा नहीं, बाबर का है। मुझे मार दो प्लीज खिलबी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? इसलिए कि मेरे बीवी बच्चे बाबर के पास है। प्लीज मुझे मार दो मुझे। नहीं, तुम अपने गुनाहों से बचने के लिए मुझे गुनहगार नहीं बना सकते। हमें कुछ और सोचना होगा। जान तारे कन्वर, तुम तो कमाल का चीज निकला, आपने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। देखो लका, जब मौत सर पर मंडलाता है तो तानेदार भी दहशतगर्द बन जाता है। छोड़ो इसको, और तुम चलते बनो, चलो। नहीं बाबर, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दूंगा। पहले मेरे बीवी बच्चों को छोड़ो, फिर ये तुम्हारा। क्यों नहीं, इतना ईमान तो बाकी है अभी हम लोगों में। वलाका, छोड़ दो उनको। पहले उसको दियो, इनको लियो। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हाई अलर्ट का ऐलान उस वक्त कर दिया गया जब जाना माना दहशतगर्द बाबर अल्ताफ खान पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ के बाद फरार हो गया। हाँ, कुछ पता चला?
क्या मतलब? उसे ढूंढो। बाबर उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो तुम्हारे करीब है, जिनसे तुम प्यार करते हो। 300-400-0025। मुझे पता है इस वक्त बाबर कहाँ होगा। अरे तू क्या जाने, मुझे सब पता है, क्या नंगी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या सब चलता है। तो क्यों हंसी चल जाएगी? अरे कल मुझे कहीं की नरगिस कहाँ है? यहाँ पर भी कोई नहीं है। लगता है नवाज साहब ने अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, तुम्हारे लिए अपनी सारी हवेली खाली करवा दी। बहुत तरसाया तुमने उन्हें। चलो भी। सादिक तू यहां क्या कर रहा है? तू तो हमारे साथ आने वाला था। नवाज साहब कहाँ हैं? हेलो, मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन करके बड़ी अकलमंदी का मुजाहिरा किया तारिक अनवर। क्या हो रहा है? अब हमारा बात सुनो और उस डेढ़ होशियार रॉकी को भी सुनाओ। नहीं राजीव, यहाँ मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है। अब दोबारा ऐसा किया, तुम्हारा दांत तोड़कर तुमको दाता दरबार में बिठाएंगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, वो गाने वाला हमको दे और अपने मुल्क का तीन लोगों का जान बचाओ, नहीं तो उसका जान बचाओ और इन तीन कंजर लोगों का लाश कुएं में डालकर दफा हो जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, उसको हमारे पास भेजो हाथ में हथकड़ी लगाकर, वो भी अकेला, अपना कौवा लोगों का साथ नहीं। यू हैव ओनली वन आवर। नहीं, मैं पहले भी एक बार ये गुनाह कर चुका हूं, मगर अब दोबारा ये दोबारा सोचने का टाइम किधर है तुम्हारे पास? सादिक अबे भी सोच लो, एक तो गया, बाकी ये दो औरत लोग बचा है। And you have only 57 minutes. Tick, tock. मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। मैं अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं जा रहा हूं। मैं अपने जीते जी तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा, डू यू अंडरस्टैंड? अगर अब भी इस जान को संभाल कर रखा तो लानत है इसी जिंदगी पर। एक बार फिर सोच लो। हथकड़ी पहना दी। वा स
सवा सुर शाल जो अल्लाह सोड़ा बीबी शिरीनी बीबी शिरीनी अड़क। बोलता था एक राजा का जान मिटू में, आम को लगता था क्या फजूल बात करता है बूढ़ा, आदमी का जान वो भी मिटू में। आज मालूम पड़ा तुम मिटू और वो राजा। मिटू का गर्दन मरोड़ेगा तो राजा मरेगा। कहानी खत्म, पैसा हस्म, पर क्या जोड़ी है, एक नाचने वाला एक गाने वाला और बीच में ये कोटे का मैनेजर काकरे में पड़वा। तमीज से बात कर बाबर, ये जो भी है एक औरत है, मैं तेरे सामने हूं, अपनी बात रख और इनको जाने दे। ये नजारा देखने को हमारा दोनों आंख तरस गया था। तुम्हारा कमीज पर खून, छाती में टंडक पड़ गया। याद है तूने कैसे सुल्तान को सीने में गोली मारा था? क्या है? अभी हम तेरे खून से नहाएगा, तेरी कमीज को अपनी जन्नत के पास लेकर जाएंगे। बदला और का बदला
जब से तो से अखिया लड़ाई है मेरी जान बेबड़ाई है आफरी अल्लाह करे हीरा मंडी की हर लड़की की तकदीर एक राजी आफरी 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 गया पलकों के घर में मार गए